नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता के घर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और वहीं सहयोग राशि भी पीड़ित परिवार को दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता परिवार के घर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सहयोग राशि पीड़ित परिवार को दी है। वहीं आराधना मिश्रा ने कहा है कि पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, हमने पूरा विश्वास दिलाया है, इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, हमेशा पीड़ित परिवारों के लड़ाई में साथ खड़ी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी की ट्वीट की जरूरत नहीं है, जब इंसान के मन में सहानुभूति होती है, संवेदना होती है, जो राजा है वो अपनी प्रजा के प्रति दुख में साथ देता है, सुख में भी साथ देता है। हाथरस की घटना में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़िता के साथ, तब प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को खोलकर निर्देश दिए, तब जाकर एसआईटी के गठन हुआ। पीड़ित परिवार जिनके ऊपर पहले शक था, दो लोग जेल जा चुके हैं, इसमें रिक्शा वाला कंपाउंडर निर्दोष है, दो लोग से रिमांड में लेकर पूछताछ करें तो इसमें दो से चार लोग और मुजरिम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। मंडल मिलने गया था पीड़िता के परिजनों से, तो इस संबंध में, इस घटना के संबंध में क्या कहना है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस की घटना में जब उस बेटी की चिता जल रही थी, उसके 24 घंटे के अंदर बलरामपुर की बेटी के साथ वैसे ही घटना घटी है। आज परिवार के को हम संवेदना व्यक्त करने गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल आया है और हमने विश्वास दिलाया है परिवार को कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं और उस पीड़िता के न्याय के लिए हम ये लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे। संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, इसमें आपकी पार्टी या आप लोगों में क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, उनकी जो मांग है उसको मैंने रखा है, जिलाधिकारी को भी सूचित किया है और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम सूचित करेंगे कि जल्द से जल्द जिन पर भी शक है, जो इस कृत्य में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस कमेटी का आया है, ये आश्वस्त करने इस परिवार को कि जिस तरह से उन्नाव की बेटी का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया, हाथरस की बेटी के लिए हमने संघर्ष किया है, बलरामपुर की बेटी को भी उसका अधिकार, उसको उसका उसके साथ न्याय कराने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। परिवार चाहता है कि पूरे मामले की इंक्वायरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि बेटी को जल्दी से जल्द न्याय मिल सके। 1 करोड़ रुपये की मांग परिवार ने रखी है और उसके साथ साथ परिवार, क्योंकि एक बहुत ही गरीब तबके का परिवार है, एक सरकारी नौकरी इस परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है, आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज पीड़िता के परिजन मिलने आया जी, इस घटना के संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्रशासन का इसके बारे में? आज हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय मोना मिश्रा जी, आराधना जी के नेतृत्व में यहाँ आया है। एससी डिपार्टमेंट के हमारे सुरेंद्र गौतम जी, विनीत वर्धन जी हैं साथ में और हम लोग पीड़ित परिवार से मिलकर और उनका हालचाल जानने के लिए आए, उनकी मांगे जानने के लिए आए और प्रशासन की प्रक्रिया को जानने के लिए आए थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।